वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 12 मार्च को प्रदेश के मौसम का हाल। आपको बता दें, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन हिस्सों में होगी भारी बारिश। जानिए जिलेवार पूरी लिस्ट। वर्तमान में केरल के साथ साथ कर्नाटक से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक एक बहुत ही कमजोर ट्रफ रेखा चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत मौसम की गतिविधि हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर भारत की पहाड़ियों पर भी कोई सक्रिय प्रणाली नहीं है, इसका अर्थ है कि वहां भी बारिश नहीं होने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, हालांकि अब भारत के अधिकांश हिस्सों में लगभग अगले 4 दिनों तक मौसम की गतिविधि में कमी देखने को मिल सकती है। 10 मार्च से 13 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ या किसी सक्रिय प्री मॉनसून सिस्टम के रूप में ज्यादा मौसम गतिविधि नहीं देखी जाएगी। वर्तमान में केरल के साथ साथ कर्नाटक से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक एक बहुत ही कमजोर ट्रफ रेखा चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत मौसम की गतिविधियां हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर भारत की पहाड़ियों पर भी कोई सक्रिय प्रणाली नहीं है, जिसका अर्थ है कि वहां भी बारिश नहीं होने की उम्मीद है। लद्दाख और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो धीरे धीरे पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है। एक निम्न दबाव की रेखा केरल से आंतरिक कर्नाटक होते हुए उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तक फैली हुई है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों में पूर्वी और दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई। विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज हुई। असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम और कोंकण और गोवा में एक या दो स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक रहा। और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां। अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के एक या दो हिस्सों में हल्के बारिश की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में, जिनमें पुणे, सांगली, सतारा और कोंकण गोवा, अलीबाग से रत्नागिरी के बीच में तथा अहमदनगर और औरंगाबाद के बीच में 12 मार्च को बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। केरल में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। कर्नाटक के मैंगलोर और आसपास के हिस्सों में भी वर्षा का पूर्वानुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में भी बारिश होने की संभावना है। तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए यूएमबी न्यूज़।